आज मैं रामपुर में हूँ और रामपुर में हम यूपी इलेक्शन कवर करने आए तो सोचा कि सबसे पहले चल के यहाँ के नवाब से बात करते हैं, क्योंकि अगर जब रामपुर की नाम आता है, रामपुर की बात चलती है, तो नवाबों की बात चलती है। तो हमने सोचा कि आइए नवाबों से बात करते हैं। तो एक नवाब मुझे टकराए जिनसे आज मैं बातचीत करूँगी और समझूँगी कि भैया रामपुर की राजनीति क्या है, और आज़म खान का जो अभी जेल में है, जो कई बार पिछले 5 साल में उनके कई रंग हमें देखने को मिले, उनके बेटे के भी कई रंग हमें देखने को मिले, सारी चीज़ें सारी बातें आज हम लोग नवाब साहब से बात करेंगे और समझेंगे कि रामपुर में कैसी राजनीति चलती है और आखिर क्या टकरार है नवाब का और आज़म खान का। क्योंकि आज़म खान, जब अगर आप इतिहास में जाएं तो आज़म खान की जो राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ वो कहीं ना कहीं नवाबों की उंगली पकड़ के हुआ, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं वो उंगली कब हथियार बन गई और कब जो है आज़म खान ने उसी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया नवाबों के ख़िलाफ़, ये समझ में नहीं आया। तो चलिए आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ, अगर मैं आपको इनका नाम बताऊं, हैदर अली खान। एक और ख़ास बात, ये कांग्रेस के नेता हैं। आइए समझते हैं, सारी बातचीत की इनसे शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहला मैं ये सवाल पूछूंगी, आजकल के नवाब कैसे रहते हैं, सिंपल, अगर मैं सिंपल। बिल्कुल एक जैसे एक आम आदमी रहते हैं, वैसे ही रहते हैं। जब से ये देश आज़ाद हुआ है कोई नवाब नहीं है, बस एक लोगों के अंदर सम्मान रहता है। ख़ास तौर से हम अपनी बात करें तो रामपुर के लोगों ने हमेशा सम्मान दिया है, लेकिन हम भी एक आम नागरिक ही हैं। ठीक है। जब 19 में गठबंधन हुआ था, ये आपके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, 17 में जब गठबंधन हुआ कांग्रेस और आपकी समाजवादी पार्टी, एक तरफ आज़म खान, एक तरफ आप नवाब, तो यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिला मिश्रण, तो उसके बारे में मुझे कुछ बताइए आप। उस समय में जब गठबंधन हुआ था, मेरे पिताजी लड़े थे स्वार से और बीएसपी के टिकट पे लड़े थे, तो उस टाइम अगर आप देखें, अगर रामपुर में आप पता करेंगी तो 17 के चुनाव में जिस तरीके से शासन और प्रशासन का दुरुपयोग हुआ है जी। वो बिल्कुल हर सीमा की हद पार हो चुकी थी, क्योंकि पूरा प्रशासन उन्हें लड़ा रहा था। जो लोग नहीं लड़ा रहे थे, या तो उन पर मुकदमे हो रहे थे या तो वो जेल जा रहे थे। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी इधर, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक फ्री अनफेयर इलेक्शन था। वो एक तरीके से सरकार के दबाव में और सरकार के पैसों का दुरुपयोग करते हुए वो चुनाव लड़ा गया था। जिस चुनाव का नतीजा आज़म खान निकले थे, है ना, यहाँ के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हुए। अच्छा, अब अगर मैं आ जाती हूँ आज़म खान पे, है ना, तो आज़म खान की राजनीति राम यहाँ पे कैसी है? आज़म खान की एक राजनीति जैसे अडॉल्फ हिटलर है या किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के, ये वैसे ही हैं। ये सिर्फ सरकार में शेर हैं, बिना सरकार के ये किसी की कोई मदद सहायता नहीं करते, ना लोगों से मिलते हैं। और अपनी सरकार में इन्होंने बहुत लोगों को सताया है। जो यूनिवर्सिटी बनी है वो भी सरकार की दबाव में आके लोगों की ज़मीन हथियाने के बाद बनी है जी। और मेरा एक मानना यह है, जब लोगों ने इनकी सरकार में लखनऊ जाके कोशिश करी कि उनको न्याय मिले, उनकी मदद हो, तो लखनऊ से ये कह दिया गया था कि रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। और ये बयान किसने दिया था, रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं आता? ये मेरे ख्याल से जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, और नेताजी का शायद ये बयान था, जो लोग गए थे, जो लोगों का कहना है कि हमें कोई सहायता कोई मदद नहीं मिली गई। अच्छा जी। और अगर आप रामपुर घूमी हैं तो आपने देखा होगा जो रामपुर रजा लाइब्रेरी है, एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी है, जो हमारे परिवार से दी गई थी सरकार को। आज़म खां अपनी सरकार में रामपुर रजा लाइब्रेरी और किला तोड़ना चाहते थे, और उसका उन्होंने एक क्लॉज ये दिया, तोड़ने की वजह यह है कि ये शहर की धूप रोक रही है, मतलब किसी भी सूरत से रामपुर के नवाबों का नाम और निशान मिटाना चाह रहे थे, लेकिन इतिहास को कोई नहीं मिटा सकता है। अच्छा अच्छा, अब अगर मैं इस बात पे आऊँ कि अखिलेश यादव और आज़म खान जी, इन दोनों की मतलब कहीं ना कहीं मीडिया में ये खबरें हैं, आप तो रामपुर के रहने वाले हैं, निवासी हैं यहाँ के, मालूम होगा कि भाई अंदर का क्या सीन है, क्या चल रहा है अंदर। इन दोनों का रिश्ता का माना जाता है कि भाई एक बार आज़म खान ने डिंपल के खिलाफ एक बयान दिया था, ठीक, तो उसको लेके कहीं ना कहीं खीस, कोई ना कोई एक तरीके की चिढ़ है मतलब अखिलेश के अंदर। देखिए, अखिलेश जी की सबसे पहले मैं बताऊँ, मुझे एज ए लीडर अखिलेश यादव मुझे एक आदमी बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छा। और मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन जहाँ तक उनके और आज़म खान की बात आई हो, आज़म खान ने किसी को नहीं बख्शा है। आज़म खान ने बदतमीज़ी के अलावा कुछ नहीं करा है। जब उनको पार्टी से निष्कासित किया गया था तो उन्होंने डिंपल जी के बारे में
बहुत गलत बयान किए थे चुनाव की, राज बब्बर जी के लिए जब ये गए थे उन्होंने बहुत बदतमीजी भी करी थी। तो अब इनके आपस के क्या रिश्ते हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो कोई समाजवादी का लीडर ही आपको करीबी आदमी उनका बता सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये सोच रहे थे कि जब ये जेल जाएंगे पूरी समाजवादी उतर के सड़कों पर आएगी, प्रदेश में धरने प्रदर्शन होंगे, प्रदेश तो छोड़िए इनके इनके घर के मोहल्ले में कुछ नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से यही बात है आपके सामने जो मैं कह रहा हूँ, यही इस चीज़ का उत्तर है। अच्छा, अब अगर एक चीज़ मैं आपसे पूछूँ कि आज़म खान का रामपुर के अंदर जिसे कहते हैं कि दहशत बहुत ज़्यादा था, अत्याचार बहुत ज़्यादा था, तो उसके कुछ एक आध किस्से मैं आपसे अगर समझना चाहूँ। एक किस्सा है, यतीम खाने की एक ज़मीन थी जो मेरे ही परिवार से सुन्नी औकाफ में दी गई थी। आज़म खान ने उस ज़मीन को तोड़ा, रात के 3 बजे औरतें बच्चे रो रहे थे, सबके घर तोड़े गए, पुलिस को रहम आया लेकिन आज़म खान को रहम नहीं आया, उन्होंने अपने स्कूल की स्थापना वहाँ करी। ये दिखाना चाहते हैं कि मैंने स्कूल बनाया, लेकिन स्कूल बनाने के लिए आप किसी को बेघर नहीं कर सकते, और स्कूल भी यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट में शामिल है। जैसे यूनिवर्सिटी की फ़ीस 1 लाख रुपये प्रति सेमेस्टर है, तो अगर 1 लाख रुपए प्रति सेमेस्टर किसी की फ़ीस है तो जाहिर सी बात है वो पब्लिक सेवा क्रिया या कोई गरीब रिक्शे वाले का बच्चा या कोई गरीब आदमी का बच्चा तो पढ़ नहीं सकता। दूसरा एक अत्याचार, लालपुर का एक पुल है। अच्छा। जो रामपुर को देहात से जोड़ता है, टांडे को लालपुर को, आज़म खान ने वो पुल तोड़ दिया क्योंकि वो नवाब रज़ा अली खान का बनाया हुआ था। अच्छा। और तोड़ने के बाद सबसे पहले सरकार जाती है खुद धरने पे बैठ गए, ये सोच रहे थे मेरी सरकार आएगी मैं पुल को अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ बनाऊंगा। ऐसे बड़े किस्से हैं, 300 करोड़ का एक पुल इन्होंने अपने घर से यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है, मतलब अपने घर से यूनिवर्सिटी तक का एक स्पेशल पुल जो है आज़म खान ने बनवाया। जी, लोगों की जमीन पे कब्जा करके, एक यहाँ के रामपुर के बड़े रिस्पेक्टेड डॉक्टर हैं ताज मोहम्मद जी, उनकी जमीन पे कब्जा किया, उन पे 376 की झूठा मुकदमा दर्ज करवाना चाहा, लेकिन क्योंकि उनके घर पे कैमरे लगे थे तो वो बच गए। और जो इन्हीं का उस टाइम अपॉइंटेड सीओ सिटी था आले हसन, जो एक रामपुर का एसपी बना हुआ था, तो उसके द्वारा ये करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ उनके घर पे कैमरे थे तो वो बच गए, तो उनकी ज़मीन भी हड़पना चाह रहे थे। कोर्ट में भी केस थे, इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे कई केसेस, इनके सरकार के दौरान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बहुत केसेस हुए हैं। अच्छा। तो ऐसे ही अब जो लोग साथ नहीं दे रहे थे, या तो उन्हें NDPS एक्ट में रखा जा रहा था या उन पे 76 लगाई जा रही थी या 307 लगाई जा रही थी, मतलब जो मुकदमा मिल रहा था वो सारे मुकदमे थे। आप खुद जाके रामपुर की जेलों में एक बार आप घूमिए, इतने नाजायज़ लोग बंधे हैं सपा सरकार में कि उसका मैं बयान नहीं कर सकता। और इस सरकार में ख़ास तौर से रामपुर की पब्लिक को बहुत आराम है। ये बात मुझे थोड़ी सी ना वो लग रही है, अटपटी लग रही है। हैं आप कांग्रेस के नेता, बड़ाई आप भाजपा का करते हैं, नेता आपको समाजवादी के मुखिया जो अखिलेश यादव आपको पसंद हैं, क्या है मामला? देखिए मैं आपको बताऊं, मैं कांग्रेस का हूं। हाँ। मैं कांग्रेस से मैं अभी चुनाव भी लड़ता हूं उपचुनाव। हाँ। मेरी एक सियासी अफिलिएशन कांग्रेस से है। हाँ। लेकिन अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपने ज़िले की भलाई देखना चाहूँ। हाँ। तो जो पिछले 5 साल में, क्योंकि अभी तो कांग्रेस की सरकार थी नहीं, पिछले 5 साल में समाजवादी का कार्यकाल जो रामपुर में रहा, जिसमें आज़म खान एक मुख्यमंत्री थे, उसके मुताबिक योगी जी ने जो गुंडाई कम करी है ख़ास तौर से रामपुर में, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लीजिए, ये मेरे ख्याल से जो आला कमान है कांग्रेस के, उनको देखना चाहिए ये वीडियो कि भाई कांग्रेस के एक नेता ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर के अंदर जहाँ के वो हैं अच्छा काम किया है, बशर्ते समाजवादी पार्टी के। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे यहाँ से ये पूछूं कि आप रामपुर के अंदर कांग्रेस को लाना चाहते हैं या फिर, अच्छा रामपुर छोड़ दीजिए, मैं उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कहना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस को ऐसा देखना चाहते हैं आला कमान वाली पार्टी, या फिर आप देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी? मैं आपसे फिर एक बात स्पष्ट करूं। हाँ। मैं कांग्रेस का एक कैंडिडेट सिटिंग, मुझे टिकट प्रियंका जी ने दिया है चुनाव लड़ने के लिए, जाहिर सी बात है तब भी नहीं। देखिए मैं आपसे एक बात क्या कह रहा हूँ। हाँ। जो परेशानी रामपुर के लोगों को हुई है। अच्छा। मैं उस आधार पे आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो कही हैं, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी कोशिश यही रहेगी कि प्रियंका जी मजबूत, जैसे उनकी लीडरशिप में यूपी में कांग्रेस मजबूत हो। मैं उन्हीं की पार्टी से लड़ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है उन्हीं के, मैं प्रियंका जी, मैं चाहूँगा कि वही पार्टी को मजबूत करें यूपी में। अच्छा, यूपी में वो मजबूत करें, लेकिन मन नहीं मन भाजपा अच्छा काम कर रही यूपी के अंदर। पिछले 5 साल से अगर कंपैरिजन किया जाए, देखिए हाँ। समाजवादी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार तो नहीं रही। मैं उसी सरकार के ऊपर बात करूँगा जो रह चुकी है अब, और अब भाजपा की सरकार है, इसलिए मैं दोनों सरकारों के बीच एक कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूँ।
भाजपा बेहतर। मेरा कोई ये लेना ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बुरी है या कुछ है। हाँ। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ अभी। अच्छा। लेकिन जो पिछले 5 साल में रामपुर के ऊपर और रामपुर के लोगों के ऊपर गुजरी है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रामपुर वालों को बहुत सुकून है इस सरकार में एज कम्पेयर टू समाजवादी गवर्नमेंट। चलिए मैं इस बात को और नहीं खींचूंगी, अब इस पे आ जाती हूँ कि आजम खान को जो है यहाँ पे मसीहा फिर भी मानते हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने लाल चौक का जो है वो पुल जो है वो लालपुर का जो है वो पुल तोड़वा दिया, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अपने ट्रस्ट के लिए लोगों की ज़मीनें हड़पी, नाजायज़ पैसे उसमें लोगों से करवाए। अभी मैं एक आपसे वो भी पूछूंगी जो आपने मुझे ऑफ रिकॉर्ड बताया कि किस तरीके से लोगों से हवाले के थ्रू लोगों से एक रिक्शे वाले से भी जो है पैसे डलवाए गए, वो भी मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन ये पूछूंगी कि फिर भी लोग आज़म खान को यहाँ का मसीहा क्यों कहते हैं? देखिए मसीहा कोई नहीं कहता है, जिन ठेकेदारों ने इनसे कमाई करी है जाहिर सी बात है वो उनको मसीहा मानते होंगे। लेकिन डर मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर 2022 में समाजवादी की सरकार नहीं आ रही, वो हमें भी पता ही नहीं आ रही। हाँ। आप पूरा उत्तर प्रदेश घूम रही हैं, सपा सरकार तो दूर से दूर कहीं नहीं है। 22 में और सरकार नहीं आए जो मसीहा की जो आप कह रही हैं वो लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। ये एक डर है कि अगर आजम खान आ गया तो मुझे जेल में डाल देगा, मेरे घर वालों को जेल डाल देगा, मेरा घर तोड़ देगा। दहशत इतनी है जब कोई कानून व्यवस्था नहीं थी, कोई कानून व्यवस्था यानी थी जिस मर्जी जाएगा, जैसे नॉर्थ कोरिया में अगर किम जोंग उन चाहे किसी का घर तोड़ दे, वो वाली हालात रामपुर की थी। अच्छा। तो अगर आदमी डरा हुआ है जो दो वक्त की रोटी कमाना चाह रहा है, जो थोड़ी अपने घर को पालना चाह रहा है, अपने बीवी बच्चों को पालना चाह रहा है, अगर उसको डर है कि मैं जेल चले जाऊँगा तो मेरे खानदान का ध्यान कौन रखेगा? ये डर है, कोई मसीहा नहीं है। मसीहा वो होता है जो पब्लिक के लिए करता है, ये नहीं कि पब्लिक से छीने। मसीहा उसे कहते हैं जो पब्लिक के लिए होता है, जो गरीब का होता है उसको मसीहा कहते हैं। आप अपने आप को जब आपके पास कुछ नहीं था, आज आपकी यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में 950 करोड़ हैं। हाँ। करोड़ों की गाड़ियों में, 2-2 करोड़ की वॉल्वो में आप घूम रहे हैं। जब ये आए थे रामपुर 2 करोड़ की गाड़ी इनके पास कहाँ से आई? आप मुझे बताइए इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? इनके पास जब तो ये रामपुर में आए थे किस हालात में आए थे आप पता लगाइए। हाँ, किस हालात में? अब मैं वही आपसे मैं इस पर अब आऊँगी कि आज़म खान जब आए तो ये मैंने सुना है कि उनके पिताश्री जो थे वो शायद किसी टेक्सटाइल उसमें काम करते थे। हाँ, बनाई हुई जो फैक्ट्री थी उसमें काम करते थे। इनके पिताजी जो मुमताज़ खान था वो शरीफ आदमी थे, अच्छे आदमी थे। पता नहीं औलाद कैसी थोड़ी अलग निकली है इनकी। अच्छा। बहरहाल जब इनकी एडमिशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई थी, इनके पिताजी मेरे दादा के पास आए थे मरहूम मिकी मियाँ साहब कि आप मदद करिए क्योंकि डोनेशन मांगी जा रही थी। तो मेरे दादा ने मदद करके इनकी डोनेशन माफ़ करा के इनको AMU में दाखला हमने करवाया था। आज़म खान को AMU में दाखला आप लोगों ने करवाया जी। और जब ये चुनाव लड़ते थे उस जमाने में MP MLA के चुनाव इकट्ठे होते थे। अच्छा। तो उस टाइम का नारा मेरे दादा कहते थे बड़ा वोट मुझे छोटा दीवाने को, उसको दीवाना बुलाते थे। अच्छा, आपके दादा मिक्की मियां जी, मिक्की मियां आज़म खान को दीवाना बुलाते जी, पूरा रामपुर उस टाइम जानता है, पता करिए। और जब किले के मैदान में इनको लोग मारने के लिए आए तो मेरे दादा ने सामने खड़े होकर इनको बचाया और इनको बचा के ले गए वहाँ से। अच्छा जी। तो जहाँ ये आज की डेट में हमारे परिवार को बुला कह रहे हैं, इनको ये भूलना नहीं चाहिए कि आज इनकी डेट, अगर आज ये ज़िंदा हैं तो ये मेरे दादा की वजह से ज़िंदा हैं। और मेरा एक मानना ये भी है, देखिए जो भी कोई कुछ करे वो ऊपर वाला उसे इसी दुनिया में दिखाता है। तो जो इन पे हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, जो इन लोगों की हाय लिया, जिन लोगों के घर तोड़े हैं और परेशान किया है, मेरा सरकार से फिर अनुरोध है और आपके इस चैनल के द्वारा मैं माननीय सरकार को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को से अनुरोध करता हूँ कि ये सरकार जो 85% सरकारी पैसा इसमें लगा हुआ है, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी सरकार अपने अंडर में ले, जिसमें फीस गिरा के गरीब बच्चों को और गरीब लोगों की पढ़ाई हो पाए। ठीक है, अब मैं आती हूँ ये जो टॉपिक है थोड़ा अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी है, जिस ट्रस्ट से माना जाता है कि आज़म खान का जुड़ाव है और आज़म खान खुद ही इसके मेंबर हैं, इनकी धर्मपत्नी इसके मेंबर हैं, इनके बेटे इसके मेंबर हैं, जो भी इनके जान पहचान के हैं वो सारे इसके अंदर मेंबर हैं। तो इस ट्रस्ट के बारे में जानना चाहूँगी, इस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए ट्रस्ट इन्होंने बनाया है जिसमें रिपोर्ट्स गई हैं कि 85% पैसा सरकार का है। अच्छा। और इसके लाइफ टाइम वाइस चांसलर ही खुद बने हुए हैं सपा। हाँ। सरकार में कैबिनेट में इन्होंने ये मोशन पास करवाया था। इनके दोनों बेटे ट्रस्ट में हैं, इनकी बीवी ट्रस्ट में है और इनके एक आध दो करीबी लोग इस ट्रस्ट में मौजूद हैं। और जो पैसा यूनिवर्सिटी इन्होंने कैसे बनाई थी, लोगों के घरों पर कब्जा किया, जो ठीक तरीके से नहीं मान रहा था पुलिस के दबाव से, उनकी ज़मीन अगर मैं मान कर चलूँ 20 रुपए की थी तो वो 20 रुपए की चीज़ मेरे ख्याल से 20 पैसे में ली थी इन्होंने। मतलब इतना अत्याचार हुआ है, आप जाके पता करिए। और अगर कोई अपनी ज़मीन देने से मना कर दे फिर उसके उसके याद
सीधी जेल, एनडीपीएस एक्ट में जा रहा था या 76 लग रही थी या 307 लग रही थी, जो जो जैसे ही जा रहे थे वैसे हो रहा था। और उस टाइम का सीईओ सिटी आले हसन था, जो इन्हीं का आदमी था, सीईओ था रैंक का लेकिन एक एसपी की पावर रखता था, आले हसन। आले हसन और वो एक केस में अभी जेल गए थे, बंद हुए थे यहाँ पर, फिर अब वो रिहा हो, जब उनको जमानत मिली वो भाग गए रामपुर से। चलिए ये तो सारी आज़म खान की स्टोरी हो गई। अब जब मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रही थी तो आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला और एक नवाब के बेटे, देखिए मैं आपको अगर इस बात को मैं समझाऊं तो एक नवाब के बेटे और एक आज़म खान के बेटे, इन दोनों में बड़ा टकरार जो है मुझे सुनने में मिला जिस तरीके से बात हुई, तो वो भी आप लोगों के समक्ष में मैं उस बात को रखना चाहूँगी। बताइए क्या पूरा मुद्दा था, क्या मसला है दोनों के बीच में? देखिए आज़म खान के जो बेटे हैं वो 2017 में चुनाव लड़े थे, आज की वो स्वार से, जिसमें जिससे मेरे पिताजी को उन्होंने हराया था। हराने का कारण ये, हराने का तरीका भी ये था कि सरकार से लगभग 2017 के चुनाव से लगभग 8 महीने पहले इन्होंने, इनके पिताजी ने, ये नगर विकास मंत्री थे, स्वार नगर पालिका और टांडा नगर पालिका को मिला के 550 करोड़ इन्होंने सरकार की तरफ से दिए। अच्छा। जिसमें से 25% फिर यूनिवर्सिटी को चंदा गया। हाँ, चंदा तो जाहिर रहा था, और ईडी की जाँच चल रही है, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और उस टाइम के जो प्रशासन था वो इनका चुनाव लड़ा रहा था, डीएम एसपी इनके साथ टहल रहे थे, तो ऐसे, और अखिलेश जी 3 बार स्वार रहे थे कि मैं स्वार को गोद ले रहा हूँ, 3 बार वो कह के गए थे स्वार में, सरकार ये इनका नारा था। और अब अगर आप ये सारी सुविधाएं मुझे उपलब्ध करा दें तो मैं आज़म खां को क्या, मैं इनके पूरे ख़ानदान को किसी भी सीट से हरा देने को तैयार हूँ। अच्छा। तो जाहिर सी बात है, और जहाँ तक इनका और मेरा तनाव है, मेरा मानना यह है इनको हर चीज़ें चांदी की थाली पे मिली थी सरकार में, इनके पिताजी ने इनको अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाया था, मैंने निजी स्तर पे ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी है, और अब 22 के चुनाव आ रहे हैं, मैं जो भी कैंडिडेट है मैं उनके खिलाफ लड़ने को तैयार। अच्छा, नहीं आपने मुझे वो बंदूक वाले किस्सा बताया था ना कि आपके ऊपर? जी, मेरे ऊपर 17 में जब वोटिंग हुई, जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन हम जब निकले स्वार से, तो काशीपुर अंगा एक जगह पड़ती है, स्वार से आगे है दूसरी विधानसभा में, रामपुर आने का रास्ता है, वहाँ पर अब्दुल्ला 4 गाड़ियों के साथ आए थे, इनके साथ एसओजी वाले टहल रहे थे, उनके रिवॉल्वर से इन्होंने मुझ पर गोली चलाई। अच्छा। और गोली मेरे बोनट से लगते हुए ऊपर को गई, और मैं आगे बैठा था, ऊपर वाले की लोगों की दुआएं थी, ऊपर वाले की नज़र सीधी थी, मैं बच गया। अच्छा। और फिर उस पर मैंने इन पर FIR भी करी थी। और मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो मतलब मिर्जापुर 2 जब जिसने देखी है, मिर्जापुर आपने देखी होगी वेब सीरीज, मतलब ऐसा हाल था बिल्कुल। मैं आपको कालीन भैया जो है आपके आज़म खान, नहीं खैर कालीन भैया तो अगर आप देखें मिर्जापुर तो कालीन भैया सरकार या बिना सरकार के ही हैं, आज़म खान सिर्फ सरकार तक सीमित है। सरकार था उनके बेटे मुन्ना भैया जिस तरीके से हैं वो उस तरीके से आपके। हाँ, मतलब ये मुन्ना भैया भी, मैं इनको मुन्ना भैया की तौहीन होगी अगर इनकी कंपैरिजन हो, लेकिन ये क्योंकि इनका सरकार का दबाव था, लॉलेसनेस जिसको कहते हैं, देयर वाज नो लॉ एंड ऑर्डर। सो अब जाहिर सी बात है जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, अगर पूरा प्रशासन मेरे हिसाब से चले तो जो चाहे मैं मन करूँ, फिरौनियत थी एक। अच्छा। डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं, जैसे मैं किम जोंग उन से क्यों कंपैरिजन कर रहा हूँ, बिकॉज देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा अच्छा, एक बात जैसे मैं सवाल अगर आपसे पूछना चाहूँ तो मुन्ना भैया आप अपने आप को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं कोई गुंडा बदमाश तो हूँ नहीं। मैं एक अपने आप को एक समाज सेवी मानता हूँ, मतलब जाहिर सी बात है आपने, मैंने इसलिए कंपैरिजन मना किया क्योंकि मुन्ना भैया के अंदर एक कहते हैं गट्स थे जो भी करने के, अगर आप सीरीज देखें। आज़म खान के जो बेटे हैं वो है ना सिर्फ सरकार पे डिपेंडेंट है, सरकार में इनके अंदर गट्स आते हैं और सरकार जाते ही अपनी बिल में छुप जाते हैं। जब 17 के बाद इनकी सरकार खत्म हुई तो ये घर से निकलने का इनको नाम नहीं लिया। इनके पास इनकी माताजी का सांसद का निधि थी, एक और निधि थी, एक आज सड़कें डाली, लेकिन ये किसी एक आदमी के लिए कहीं जाके खड़े नहीं हो सकते थे। मतलब ऐसा सीन है, मतलब गट्स ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना? सरकार अगर उनके सरकार में, तो मैं कहूँ सरकार में तो कोई भी शेर हो जाता है। आप बिना सरकार के पब्लिक के लिए खड़े हुई है, अगर आप जनप्रतिनिधि हैं आपका फर्ज है, सरकार और नो सरकार, आप पब्लिक के साथ खड़े हुई है। अच्छा, तो ये मैं अगर सवाल पूछूँ कि रुतबा किसका है, नवाब खानदान का भी रुतबा ज़्यादा है या फिर आपके आज़म खान का रुतबा ज़्यादा है? देखिए हमारे रुतबे की अगर बात करी जाए तो ये आप पब्लिक से पूछेंगी तो बेहतर है। रुतबा आप पब्लिक में जाते होंगे ना, तो पब्लिक में जाते होंगे तो ऐसा क्या, मतलब आपका नाम जैसे हैदर अली खान, हमें हमजा मियां कहते हैं, हमजा मियां, रामपुर में हमजा मियां की ज़्यादा रुतबा है, ज़्यादा ठाठ है, या फिर आपके अब्दुल्ला की? ये अब चुनाव आ रहा है, इनको पता चल जाएगी किसकी ठाट ज़्यादा है। बात समझ लीजिए यहाँ से, मतलब इन्होंने कह दिया कि चुनाव आ रहा है, दुनिया समझ जाएगी कि भैया किसकी ठाट है, नवाब तो आखिर नवाब होते हैं कि नहीं हमजा मियां?
बिल्कुल सही बात है, नवाबों ने कभी पब्लिक से छीना नहीं है। अगर आप देखें खास तौर से रामपुर के नवाब, हम पहले नवाब प्रिंसली स्टेट था जिसने इंडिया के साथ मर्ज किया, इसलिए गांधी जी की कश्तियाँ रामपुर में भी हैं। अच्छा। और हमने हमेशा पब्लिक को दिया, ये कोई नहीं कह सकता कि नवाब परिवार ने किसी को सताया है। आज़म खान कहते हैं कि नवाब परिवार ने लोगों की बहन बेटियों को, एक ऐसा बाजार था जिसके अंदर, मतलब मैं वो शब्द नहीं कह सकती, वो मतलब वो कहते हैं वो इस बात को कि नवाबों ने तो लोगों को सताया। ये एक प्रोपेगेंडा है। अगर आज़म खान इतनी उससे कह रहे हैं, पहली बात तो ये नेठोर से आए हैं। अच्छा। इन्हें कैसे पता, अनलेस एंड अनटिल अब ये बात इनके किसी परिवार के आदमी ने इन्हें बताई हो। हाँ। जो इस चीज़ का शिकार हुआ हो, तो अब प्रोपेगेंडा करने को कोई कुछ भी प्रोपेगेंडा करता रहे, मतलब ऐसे प्रोपेगेंडा अपनी राजनीति चमकाने, जाहिर सी बात है इन्होंने नवाबों को बुरा कहकर तो ऊपर आए हैं। अगर नवाब इतने बुरे हैं और इनकी कोई ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस है तो हमारे जिक्र क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, मतलब आप मेरी बात समझिए, आज की डेट में भी मानते हैं डर हमसे ही है, और ऊपर वाले ने चाहा तो इनको इनकी औकात दिखा दी जाएगी इस चुनाव में, 22 में दिखा देंगे। तो आजम खान तो निकलने से रहे। हाँ। और सजा हो जाएगी तो ना अब्दुल्ला ना आजम ना उनकी बीवी चुनाव लड़ सकते हैं। अच्छा, एक बात मतलब यहाँ, अब आजम खान से अगर मैं दूर हट जाऊँ, आपने कहा कि 22 में दिखा दिया जाएगा, आप हैं कांग्रेस से, है ना, कांग्रेस की इमेज जैसे सबके बीच में है कि भैया कांग्रेस में तो अब कोई ऐसा नेता नहीं बचा ना, वहाँ पे लोगों की सुनी जाती है, तो कैसे दिखाइएगा? मतलब मैं अपनी बात करूँ, मेरी जब 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 मुझे ज़रूरत पड़ी है हाईकमान में प्रियंका जी से बात करने की, तो मुझे तो नवाब है ना, आपसे तो करेंगे। मैं एक आम आदमी हूँ आज की डेट में, ना मैं कोई नवाब हूँ, ये मेरी कोई इमेज ऐसी नहीं है, मैं एक आम आदमी हूँ। अच्छा। मैं क्योंकि इस घर में पैदा हुआ तो एक नाम है, देखिए जब से इंडिपेंडेंस हुआ कोई नवाब कोई महाराजा कोई कुछ नहीं है, सब एक रेगुलर सिटीजन ऑफ इंडिया है, जैसे सब हैं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। मैं हूँ वैसे आप नहीं है, मैं तो एक रिपोर्टर हूँ, आप एक नवाब है, जैसे मैं हूँ वैसे। आपका फील्ड मुझसे अलग है, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ तो मैं एक पॉलिटिशियन के रूप में हूँ, सोशल मतलब के चक्कर में हूँ, लेकिन बात तो एक ही है, आप और मैं ऑन पेपर भी हो और कहीं भी हो रेगुलर सिटीजन्स ऑफ इंडिया है। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो मेरे साथ तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं है, तो मैं अपने 2022 में आजम खान के मतलब बेटों को या फिर जो भी चुनाव में आपके सामने खड़े होंगे तो उनको आप कांग्रेस के टिकट पे दिखा दीजिएगा। मतलब जी बिल्कुल दिखा देंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे साथ पब्लिक ने हमारा तब भी साथ दिया, इस सब में मेरे पिताजी 44,000 वोट लेके आए थे जब ये पूरा दबाव था, सब कुछ था, अखिलेश जी आ गए थे, सब कुछ। और मैं आपको एक बात भी बताऊँ, जब 2014 में पहली बार मोदी जी की सरकार आई थी तो किस तरीके से मोदी जी की लहर थी, पूरा हिंदुस्तान देख चुका था, गलत तो जी उस जमाने में जब आजम खान ने अपने आदमी को लड़ाया था, तभी तो मंत्री भी थे, तीन ये वोट नहीं मांग रहे थे, ये सिर्फ पब्लिक में कह रहे थे उंगलियां दिखा के 3 साल हैं। हाँ। ये था वोट मांगने का, कोई ये नहीं कहा कि मुझे वोट दे दो। हाँ। उस टाइम मेरे पिताजी 158,000 वोट लेके आए थे, तो ये पब्लिक के वोट थे। और अगर इस दौरान में 44,000 आ चुके, अब तो आप जब चुनाव आएंगे, देखिए बोलना अच्छा नहीं होता, बोलना अच्छा नहीं, जो होता है बड़े बोल किसी को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको साबित करके दिखाएंगे। ये मेरी एक रामपुर के नवाब से बातचीत थी जो मैंने आपको दिखाई, ये भी दिखाया कि आजकल के नवाब जो हैं वो पहले के नवाबों की तरह नहीं है, है ना, आजकल के नवाब जो हैं आपके चुनाव में उतरते हैं, इतना मादा रखते हैं कि वो दूसरे प्रत्याशी को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। इसी के साथ धन्यवाद।